नाचने गाने या जश्न मनाने का बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ना ही अपने घरों में दीपक जलाओ और ना ही आकाश में दीप उड़ाओ, बल्कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सपरिवार याद करो और उसके ऐतिहासिक महत्व को समझकर एक दूसरे को समझाने का भरपूर प्रयास करो। साथ ही सभी तरह के आपसी मनमुटाव और लालच को छोड़कर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से एक होकर संगठित हो जाओ, क्योंकि अगर इस बार आप लोग संगठित नहीं हुए तो आने वाले समय में आप लोग अपने स्वयं का जन्मदिन मनाने के लायक भी नहीं बचोगे। वैसे भी मैंने कभी नहीं कहा था कि मेरा जन्मदिन मनाओ, बल्कि मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि बुद्ध की जयंती मनाओ, तथा मेरी तस्वीरों से भी ज्यादा मेरे विचारों का आदान प्रदान प्रचार प्रसार करो। इसलिए इस 14 अप्रैल 2020 से आने वाले लोकसभा चुनाव तक अधिक से अधिक संख्या में अपने घरों की दीवारों पर यह लिखने की शुरुआत करो कि हमें इस देश की शासनकर्ती जमात बनना है, और शासनकर्ती जमात बनने के लिए मेरे द्वारा लिखित अनेक किताबों का अध्ययन करो, और साथ ही एक मंच पर आकर एक विचार के साथ खूब मेहनत करो। अगर आप लोगों ने यह सब नहीं किया और नाचने गाने और जश्न मनाने में अपना समय बर्बाद कर दिया तो समझ लेना कि आप लोग अपने गुलामी के जिम्मेदार स्वयं होंगे, कोई और नहीं।